हजूर पिताजी आएंगे परमानेंट, हजूर पिताजी आएंगे परमानेंट, हजूर पिताजी आएंगे परमानेंट। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सासंगत जी, कुछ भाई बहनों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि यार हजूर पिताजी परमानेंट आएंगे, लेकिन कब आएंगे, कैसे आएंगे। तो सासंगत जी उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। सासंगत जी, कुछ भाई बहन जो है हजूर पिताजी के परमानेंट, मैं नहीं मानता कि वे सत्संगी है जो हजूर पिताजी परमानेंट आने से जिनको जलन हो रही है। कोई भी सत्संगी भाई बहन होगा वो ये नहीं चाहेगा कि हजूर पिताजी परमानेंट ना आए। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि बार बार हजूर पिताजी की परमानेंट रिहाई को लेकर मांग क्यों की जा रही है, जब अभी कुछ आता पता नहीं है। अरे भाई साहब, जब हम हजूर पिताजी से अरदास करेंगे कि पिताजी आप परमानेंट आओ, वो कण कण का जानने वाला है, जर्रे जर्रे का जानने वाला है, तो वो हमारी अरदास क्यों नहीं सुनेगा। और सासंगत जी, इसी भी सभी सासंगत के लिए बहुत बड़ी न्यूज भी लेकर आया हूँ, जिससे सभी को बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। सासंगत जी, कुछ भाई बहन तो ये कह रहे हैं कि हजूर पिताजी परमानेंट में आएंगे, लेकिन मेरा मानना तो ये है, क्योंकि देखो आप मानो या ना मानो, मैं तो देखो हजूर पिताजी का कट्टर भगत कह लो, कुछ भी कह लो, मेरा बाप कह लो, मेरा सब कुछ, मेरा ये मान के चलो कि सभी कुछ हमारे हजूर पिताजी, क्योंकि यार जिसने आपको जीने का सलीका सिखाया हो, बहुत बुराइयों से छुड़ाया हो, वो आपके लिए भगवान ही हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम तो उसे भगवान मान रहे हो। अरे भाई साहब, हमारे भगवान है वे, क्योंकि यार एक बात तो बताओ, हमारी ज़िंदगी नरक हो रही है और हमें उस नरक से जिसने बचा लिया वो तो हमारे लिए भगवान के सामान ही है ना। अब जैसे एक बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चलती है, और उसे कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो भाई साहब बिल्ली को जाने दो हज को, वो कम से कम हज को जा तो रही है, कुछ सीख कर आएगी, कुछ अच्छा काम तो कर रही है। तो वही बात हमारी है। अब हमें इस तरीके से टोका जाता है कि छोड़ दो, अब ये तुम्हारे गुरुजी नहीं आने वाले, तुम्हारे गुरुजी अब तो बस जेल में ही रहेंगे, अब नहीं आएंगे। अरे भाई साहब, आप तो ये कहते हैं कि अब जब बाहर भी नहीं आएंगे पैरोल भी नहीं मिलेगी। हजूर पिताजी पैरोल पर आते हैं बार बार, क्योंकि सात संगत जी, हजूर पिताजी जो है, हजूर पिताजी का जो नेचर और व्यवहार है वो इतना VIP है, वो कोई और ऐसा व्यवहार किसी और कैदी के अंदर ऐसा व्यवहार है ही नहीं। संजय दत्त को भी इतनी पैरोल नहीं मिली, क्योंकि देखो संजय दत्त की पब्लिसिटी है, लेकिन उसको भी इतनी पैरोल नहीं मिली जितनी हजूर पिताजी को पैरोल मिल चुकी है, क्योंकि हजूर पिताजी का व्यवहार इतना VIP है, जो कानूनी लो, जो कानून का नियम है संविधान के अनुसार, हजूर पिताजी हर संविधान का पालन करते हैं, संविधान के नियमों का पालन करते हैं, कानून के नियमों का पालन करते हैं। तो भाई साहब, किसी को भी ये जलन नहीं होनी चाहिए। और अगर सासंगत जी आप भी मानते हैं कि हजूर पिताजी को आप दिल से सपोर्ट करते हैं, तो वीडियो को लाइक करने के बाद पिताजी को सपोर्ट के बारे में कुछ ना कुछ अपनी राय जरूर देंगे, और कमेंट बॉक्स में पिताजी को नारा जरूर लगाएंगे। सासंगत जी, मेरा तो फुल सपोर्ट है हजूर पिताजी के लिए। हजूर पिताजी, मैं तो चाहता हूँ कि हजूर पिताजी जल्दी से जल्दी सात संगत के बीच में परमानेंट आए, और समाज की जो बुराइयों का उन्होंने काम लिया हुआ है और हमें भी दे रखा है, हम भी पूरी लगन से आपके साथ करें पिताजी, क्योंकि आपने हमसे वचन लिया हुआ है, हम कोशिश करेंगे। देखो 100% वचनों पर अमल करने की कोशिश करेंगे, करवाने वाले तो आप ही हो हजूर पिताजी, आप ही करवाने वाले हो, आप ही करने वाले हो। तो साथ संगत जी, जो भी भाई इस तरीके की बातें करता है, आप सभी को उनसे दूर रहना है, और किसी की भी ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि अक्सर इंसान बुराई को ज़्यादा सपोर्ट करता है, और जो अच्छे काम करता है ना तो उसकी टांग खिंचाई ज़्यादा करता है। तो आप सभी ने इन बातों का ध्यान रखना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सात संगत को शेयर करनी है, ताकि जो भी सात संगत अपने सदगुरु से उसके एहसान को भूलकर मुंह मोड़ लेती है और अपने काम में लग जाती है, उनका ध्यान हजूर पिताजी की ओर हो सके, और हजूर पिताजी से वे प्रेयर कर सके। कहीं ना कहीं अगर हजूर पिताजी से प्रेयर करेंगे, सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, हजूर पिताजी बाकायदा वापस सुनारिया धाम में चले गए हैं, जल्द वापस आएंगे। धन धन सदगुरु तेरे।